साथियों वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम आपको 30x55 फीट में बना हुआ घर का नक्शा दिखाना चाहते हैं। वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। अगर आप नए हैं चैनल पर यार सब्सक्राइब कर दो और पीछे का व्यू देखो कैसा है, कितना मस्त है, खूबसूरत और ब्यूटीफुल, एकदम प्योर रॉक के ऊपर हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं फिलहाल। चलिए अब बात करते हैं इस प्लान के बारे में। मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप ले लीजिएगा। अभी मैं इसको जूम इन करके दिखाऊंगा आपको, सो दैट आपको भी क्लियर कट आइडिया मिल सके। तो जैसे कि ये मेरा मोबाइल नंबर 8095615113, यहाँ से पार्किंग एरिया दिया हुआ है। पार्किंग का साइज़ आपको मिल रहा है 15x6x12x6। यहाँ से एंटर करें आप लोग तो आपको हॉल का साइज़ मिल जाता है 11x3x16x3। और यहाँ पर एक डोर रखा गया है जिसका साइज़ है 5x6 का डोर ले सकते हैं, और उसके साथ जो है ना विंडो भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप एंटर करें बेडरूम नंबर 2, 11x3x9 में जो है बेडरूम नंबर 2 आ रहा है। और उसी के साथ देखिएगा ये जो ओपनिंग दिया हुआ है ना यहाँ पर किचन, किचन का साइज़ आपको 11x12x9, वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर बना सकते हैं, स्टोरेज के लिए जगह बना सकते हैं, और एल शेप में जो है किचन भी ले सकते हैं, और एक दरवाज़ा भी देना चाहिए साउथ की तरफ। बस थोड़ा आगे जाने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपका कॉमन टॉयलेट बाथ, 7x5 फीट में आपको कॉमन टॉयलेट बाथ मिल रहा है। फिर उसके साथ आगे की तरफ गए तो आपको बेडरूम नंबर 1, यहाँ पर देखिएगा बेडरूम नंबर 1 की तरफ 11x12 फीट। तो ये हो गया साथियों मालक के साथ सिर्फ ओनर का पोर्शन हो गया। अब बात करते हैं रेंट पोर्शन किस तरह से जाना चाहिए। जैसा बाहर की तरफ ये पार्किंग है, देखिए वहाँ से जो है एंट्रेंस है पैसेज एरिया 3x6 के जगह मिला है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका किचन और रूम, जैसा ये किराएदार के लिए बना हुआ है। स्टार्टिंग में आप एंटर करते हैं किराएदार का पोर्शन में, तो उनके लिए जो साइज़ दिया गया है 11x3x12x3 में जो साइज़ है यहाँ पे उनका बेड रहेगा वो सब, एंड सामने की तरफ किचन 11x8x6 और कॉमन टॉयलेट बाथ जो है ना 7x3x6 में लिया है। इस तरह का एक सिंपल ब्यूटीफुल प्लान था। अब हम बात करते हैं इसका कॉलम साइज़, दीवार का साइज़ कितना लेना चाहिए और इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन कितना। आज की डेट में यानी कि 2022 में अगर आप लोग घर ये वाला घर बांध रहे तो लगभग आपको 30 लाख रुपये आराम से चाहिए। और ये जो बना हुआ देखिए फर्स्ट कॉलम्स देख लेते हैं, यहाँ पर 6 कॉलम आप लोग देख सकते हैं, और उसके साथ इधर जो है ना और 3, तो 9 हो गए, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कुल मिलाकर जो है ना 15 कॉलम के अंदर ये वाला बना हुआ है, ये वाला घर का नक्शा। एंड एक कॉलम को आप मान लीजिएगा खर्चा जो है सिर्फ कॉलम अगर आप बांध रहे तो लगभग 50,000 रुपये एक कॉलम का खर्चा हो जाता है, ठीक है। फिर अब दीवार की साइज़ की बात करें तो 9 इंच का दीवार लिया हुआ है हर तरफ, और इधर जो बाथरूम कॉमन टॉयलेट बाथ के लिए जो लिया हुआ है ना वो 7x7 फीट सिंगल ब्रिक वॉल यहाँ पर लिया हुआ है। फिर उसके साथ थोड़ा आगे जाने के बाद नेक्स्ट अब बात करते हैं इसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, बता दिया मैं कॉलम का साइज़ बोला, 9x15 इंच का कॉलम का साइज़ आप ले सकते हैं, और कुछ बचा नहीं बोलने के लिए। तो इस तरह से एक खूबसूरत प्लान था। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब। मैं ऑफ कर लेता हूँ, ये पूरा फुल व्यू देख लीजिएगा। धन्यवाद।